वालों को मेरी तरफ से सलाम कबूल हो। मैं आज बाइबल के सुरजानी में बाइबल की बेहरमती पर अपना एहतजाज रिकॉर्ड कर रहा हूँ कि सुरजानी पुलिस, बल्कि मैं DIG, IG साहब, DSP साहब, इनका अमला बहुत अच्छा है। इन्होंने ये बहुत ताबुन करते हैं, लेकिन जो निचले सतह पर थाने के लेवल पे पुलिस है, वो क्योंकि रिश्वत आम है और वो जो है हमसे तासुब बरत रही है, क्योंकि पाकिस्तान में गरीब चाहे मुसलमान हो, चाहे क्रिश्चियन हो, हिंदू हो, उससे तासुब बरता जाता है। अगर मैं भी नवाज शरीफ का या किसी बड़े सियासी लीडर का रिश्तेदार होता तो मेरा काम फौरन हो जाता। मैं अप्रैल से कोशिश कर रहा हूँ एक लीगल FIR लॉन्च करने की, और मेहरान टाउन में हमारे क्रिश्चियनों के प्लाटों पर मुस्लिम बरादरी के चंद लोग कब्जा कर रहे हैं और पुलिस उसमें इन्वॉल्व है, इस पे कोई एक्शन नहीं हो रहा। तो हम अदालत आलिया से गुजारिश करेंगे कि इस पर सू मोटो एक्शन लिया जाए, क्योंकि पहले भी 10 साल पहले हमारे 22 लोग कत्ल किए गए थे, कोई सू मोटो एक्शन नहीं हुआ। इसके अलावा अभी भी गुटके के कैंसर से, मुंह के कैंसर से 5-7 लोग मारे गए आजम बस्ती में, कोई एक्शन नहीं हुआ। तो लादा आपसे इल्तमास है कि हमारी सुनाई की जाए। मैं एक मुसलमान, लेकिन मुझे दुख होता है कि ये पाकिस्तान हम सबका पाकिस्तान बसी बिरादरी का भी है, क्योंकि एक तरफ तो हमें अमेरिका, लंदन, पाकिस्तान हमारे हमारी मदद कर रहे हैं, जो बसी हैं जो पाकिस्तान की मदद कर रहे हैं, मिस्टर जो बाइडन और जो भी ममालिक को जितने भी बड़े बड़े ममालिक हैं उनके सरकार, ये इस तरह के हिस्सा वाराना और एक मजहब के नाम से हमने बहुत हर चीज़ खो चुके हैं। जैसे पहले अफगानिस्तान में एक जंग हुई मुस्लिम और एक मसीह के नाम पे, फिर भी उसी मसीह बिरादरी ने उस अफगानिस्तान को आज़ाद करा दिया मिस्टर जो बाइडन। और ये इस तरह के बातें होंगे तो फिर हमारी कौन मदद करेगा मुसलमानों की? ये एक फिरका वाराना और एक मजहबी जंग की शुरुआत की जा रही है, जो एक बहुत ही दुख की बात है। मैं सदर आरिफ अली पाकिस्तान के और वजीर आज़म मियां शहबाज शरीफ साहब से और IG सिंध कामरान अफजल से और चीफ सेक्रेटरी से ये मुतालबा करता हूँ कि जो भी ये कत्ल हुए हैं उनकी तहकीकात कराई जाए, आर्मी जनरल से और ISU कमांडो से, क्योंकि हमारी ये हुकूमत नाकाम हो चुकी है। इसलिए नाकाम हो चुकी है क्योंकि पुलिस एक यूसी तक महदूद होती है। तो हमारे इदारे कहाँ गए जो कहते हैं कि हम वर्ल्ड लेवल पे हैं, हम दुनिया के 1 नंबर हैं? वो 1 नंबर इदारे कहाँ हैं? क्या वो 0 बन चुके हैं? एक तरफ मसीह बिरादरी हमारी मदद कर रही है, क्या वो अखबार नहीं पढ़ते? क्या वो टीवी नहीं पढ़ते कि मिस्टर जो बाइडन ने कल मैंने एक बात पढ़ी कि मिस्टर जो बाइडन ने कहा कि पाकिस्तान डूब चुका है? क्या है, क्यों कर रहे हैं इस तरह के? ये चुप कलम है, एक तरफ मसीह बिरादरी हमारी मदद कर रही है, हमें उनकी मदद करनी चाहिए। और ये ऐसे मौलाना साहब जो कुरान को हम सब मानते हैं, क्योंकि कुरान पाक में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का जिक्र किया गया है। एक सूरत कुरान पाक में मैंने देखी थी, जो मैंने बैतुल्लाह अलैहिस्सलाम मस्जिद में उस दिन मैंने देखा तो मैं हैरान हो गया, क्योंकि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का जिक्र भी था हमारे इदारे में, लॉर्ड का भी जिक्र था हजरत आदम अलैहिस्सलाम का। तो हमें ये नहीं करना चाहिए, ऐसी नफरत नहीं फैलानी चाहिए जिससे एक दुख भरे लम्हा पैदा हो, एक फिरकार वाला ना हो। तो ये IG सिंह को जाता है कि मैं मिस्टर जो बाइडन और आलमी रहनुमा को एक रिक्वेस्ट करूंगा कि वो आफिया सदीकी को रिहा करें, और जिस तरह अफगानिस्तान आजाद हो चुका तो ये मुस्लिम बिरादरी, ये मसीह बिरादरी से मेरी एक रिक्वेस्ट है कि वो आफिया सदीकी के लिए आवाज उठाएं।